नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे पर छिड़े हुए दंगल की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते किसकी कमी ज्यादा सफेद की तर्ज पर किसका एक्सप्रेसवे ज्यादा अच्छा की सियासत शुरू हो गई है। इसकी वजह ये है कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया जा रहा है। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से इसे 36 महीने में पूरा किया गया है और इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को अब तक का सबसे लंबा और शानदार एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए और विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतार दिए। वहीं समाजवादी पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकाल में बनाए गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बेहतर बताते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने को भी अपनी सरकार की नकल बताया और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं भाजपा दोबारा सत्ता में आने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे की एंट्री 20 साल पहले ही हो चुकी थी। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का बड़ा फैसला किया। उस वक्त एक्सप्रेसवे की राजनीति राज्य में बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि संयोग ऐसा रहा है कि एक्सप्रेसवे की राजनीति सरकारों को कोई भी चुनावी फायदा नहीं पहुंचा सकी। मायावती और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में एक्सप्रेसवे तो बनवाए, लेकिन उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में ये दोनों ही चुनाव हार गए। जैसे कि मायावती ने अपने कार्यकाल में नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया, लेकिन वो इसका उद्घाटन नहीं कर पाए क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में ही उनकी पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। मायावती के यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन साल 2012 में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में एक छोर से दूसरे छोर तक एक्सप्रेसवे के जाल बिछाने का विजन के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे के आगे आगरा से लखनऊ तक का एक खंड बनाया और उस पर एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया। मायावती से उलट अखिलेश यादव ने न सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की नींव डाली, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से एक साल पहले साल 2016 में इसका उद्घाटन भी कर दिया। भले ही अखिलेश यादव नींव डालने और उद्घाटन करने के मामले में मायावती से आगे निकल गए हों, लेकिन अगले साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। मौजूदा वक्त की बात करते हैं। आखिर अधूरी पड़ी हुई परियोजनाओं को जल्द खत्म कर उसका उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है, वो भी तब जब भाजपा ये दावा कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटेगी और बहुमत के साथ लौटेगी। दरअसल 2017 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हासिल की गई बढ़त को मजबूत करने के लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये सड़क पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों को भी विकसित करने में मदद करेगी जो अब तक विकास से दूर है। जाहिर है लखनऊ से गाजीपुर के बीच बने 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने भाजपा और विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीतिक पिच तैयार कर दी है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही भाजपा को इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट नहीं लेने देना चाहती हैं। हालांकि इन दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यकाल में बनाए गए एक्सप्रेसवे का भी कम प्रचार प्रसार नहीं किया था। पहले यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। मायावती के कार्यकाल में शुरू हुआ ये यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। ये 6 लेन का 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश में आगरा से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। बात करते हैं अखिलेश यादव द्वारा शुरू किए गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना। सड़क की कुल लंबाई 370 किलोमीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। एक्सप्रेसवे उन्नाव, कानपुर, हरदोई, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और फिरोजाबाद से आगरा को जोड़ता है। यही नहीं, एक्सप्रेसवे के रास्ते में गंगा समेत 5 नदियां भी पड़ती हैं।
इन्हें पार करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 13 बड़े और 52 छोटे पुल और 4 आरओबी बनाए गए। 132 फुट ओवरब्रिज और गांव कस्बों की सुविधा के लिए 59 अंडरपास भी दिए गए। सबसे अहम बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही इस एक्सप्रेसवे को भी आपात स्थिति में जहाजों की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस दौरान ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल 36 महीने में बना है। इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए आई। इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुड़ेंगे, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन कानूनी रूप से इस पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे ही होगी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन जिलों को जोड़ता है जो कि विकास के लिहाज से काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पूर्वांचल में करीब 28 जिले आते हैं जो कि राजनीतिक दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जाता है कि यूपी में सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। हालांकि पूर्वांचल में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत कभी नहीं रही है, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां पर अच्छी सफलता हासिल हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके से बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 17, बीएसपी को 15 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। पूर्वांचल का ये इलाका वो है जहां पर दलित और पिछड़ों की अच्छी खासी आबादी है जो कि राजनीति के लिहाज से काफी निर्णायक साबित हो सकती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।